بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसकी पहले प्लगिंग वगैरह कर दी थी, उसके बाद इसकी ये फाइनल आखिरी कोटिंग हो रही है, तो इसके लिए समझा के लिए अंडरग्राउंड टैंक मुकम्मल हो गया। तो क्योंकि जो रनिंग पोजीशन होती है पानी की, वो प्लगिंग मटेरियल से पहले लॉक की जाती है, तो उसके बाद ये प्रोटेक्शन के तौर पर एपॉक्सी सीमेंटेशन को कोटिंग की शक्ल में बना दिया जाता है, और ये एक परमानेंट मेम्ब्रेन बन जाती है वाटरप्रूफ, और आइंदा के लिए ये रेजिस्टेंस देती है नमक पानी वगैरह और केमिकल से बचाते हुए।